Welcome back to 100 Cases. In this video, we will talk about the case of East India Housing Company versus CIT. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure you subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो अब इस केस में जो appellant होते हैं, उन्होंने वो एक कंपनी रन करते हैं जो कि प्रॉपर्टीज खरीदती है, उनको डेवलप करती है और फिर उनको बेच देती है। तो अब जो कंपनी होती है वो यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस कर रही होती है और इसका मतलब जो भी कंपनी की इनकम आएगी वो आएगी अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट जो एपेलेंट होते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो 10 बीघे की जमीन खरीदते हैं, यानी कि जो कंपनी होती है वो 10 बीघे की जमीन खरीदती है और उस पर कंस्ट्रक्शन करती है और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी वो ऑन लीज दे देती है, मतलब कि वो सारी प्रॉपर्टी वो किराएदारों को दे देती है और वो जो किराएदार होते हैं वो उस प्रॉपर्टी पर अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके उस प्रॉपर्टी से अपना किराया आके दे देते हैं एपेलेंट को। तो एपेलेंट की यहाँ पे ये कंटेंशन होती है कि जो भी उनके पास पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट वो अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि जो भी वहां पे बिजनेस कर रहा है उसको तो पैसा बिजनेस के ही थ्रू आ रहा है और जो वो पैसा उनके पास आ रहा है कंपनी के पास वो भी बिजनेस के ही थ्रू आ रहा है, तो इसीलिए ये अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी होना चाहिए। बट जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उनकी ये सोच होती है कि ये जो इनकम आ रही है इनके पास ये अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ रही है और ये इस हिसाब से अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ रही है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट पे दिया है, अब वो बंदा जिसने रेंट पे लिए वो उसके अंदर कुछ भी करे उससे हमें क्या मतलब है, आपके पास तो एज अ रेंट आ रहा है और अगर आपके पास रेंट आ रहा है तो वो अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो अब कोर्ट ये चीज देखता है और फिर कोर्ट इस केस में ये हेल्ड करता है कि जो एपेलेंट होते हैं यानी कि कंपनी, उनकी कंडीशंस बेकार है और ये डायरेक्टली अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आनी चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी में ही डील कर रहे हैं और उनके पास रेंट आ रहा है, तो इससे क्या मतलब है कि जो रेंट दे रहा है उसके पास रेंट कैसे आ रहा है या फिर कोई भी और सिनेरियो से कोई भी मतलब नहीं है और जो भी इनकम आ रही है वो अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ही आएगी। तो इस केस में तो ये हैंडल हुआ था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।